हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ सारे बिल्कुल बढ़िया होंगे और खाते पीते स्वस्थ होंगे। सो गाइस, अभी जल्दी आने वाली है राखी और हम जा रहे हैं मोखरा। गाइस, जी हाँ, मोखरा जा रहे हैं गाइस हम, क्योंकि वहाँ पर रहते हमारे मामा। गाइस, पापा को रोहतक से ना एक काम आ गया था, तो इसलिए ना पापा ऐसे बोले कि जाना तो तुमने है ही, मैं छोड़ाता हूँ आधे रास्ते और मेरा काम भी हो जाएगा है? और आधे रास्ते तक अपने मामा का फ़ोन कर देना, मामा ले जाएंगे। रोहतक काम में लाए तो भाई रोहतक छोड़ देंगे पापा और फिर आगे से मामा लेने आ जाएंगे। अभी मेरी मम्मी मामा के पास फ़ोन कर रही हैं और क्या, पुलिस लाइन से निकल चुके हैं भाई। अभी साहब आगे घोड़े आ गए भाई, इतनी भीड़ी सी जगह में कैसे जाएंगे, जाम लगेगा अब तो पक्के वाला। भाई होलो, जल्दी होलो, हमें लेट हो रहा है। वहाँ बंद रह के इनके बाद देना सुबह। हाँ एक साथ भाई, ये तो बहुत बड़ी है और भी दूर तक है। रोक लेते, जाम खत्म हो ही गया किसी तरीके से। देख सको पीछे जान लग रहे हैं वो। अभी मामा आ चुके हैं, देख सकते हो आप, सामने गाड़ी खड़ी है। बाय पापा, बाय बाय। जाके बैठ रही हूँ गाड़ी में भाई, अक्षर तो बैठ भी गया देख सको। और पापा और मम्मी और अक्षु कह रही मामा बातें कर रहे हैं वहाँ पे। तो गाइस बाकी तुम उधर आ जाओ। गाइस पापा तो छोड़ के चले गए हमें सोनीपत वापस और हम मामा की गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं सीधा मोखरा। तो बदबू आ रही है इसलिए नाक पे ना चुंदड़ी ढक ली है। मम्मी को इंट्रोड्यूस नहीं करा रही हूँ गाइस, क्योंकि अगर मेरी मम्मी ने नाक से वो चुंदड़ी हटाई ना तो भाई उल्टी आने का वो हो जाएगा। छोड़ो गाइस, मम्मी से नहीं, मैं आपको मामा से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो मामा जी बताइए कुछ कहना चाहेंगे। हेलो गाइस, मैं दीपक मलिक, अंशु शिवाज को मामा, और मेरी ये बातें सुन के हंसना नहीं है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को गाड़ी चलाने दो। गाइस वो सब छोड़ो, मेरा मामा थोड़ा मजाक किया है, तो गाइस सीरियस होने की कोई बात नहीं है। तो गाइस अंशु और अक्षु को भूख लगी है, मेरी पिछली बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना, और अब ये देखते हैं ये डेजर्ट खाएंगे या कुछ स्पाइसी चीज खाएंगे। स्पाइसी खाएंगे, स्पाइसी खाना है तो चलो चलते हैं। कहाँ? जो आपका मन करे चलो। तो यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, रोड बन रहा है देख सकते हो आप बढ़िया से। टोरा विंग्स से खाएंगे अभी हम बर्गर, स्पाइसी वाला बिल्कुल, बिना नेपाली लोग बनाते हैं जो भी बनाते हैं। मामा चल रहे हैं गाइस, मम्मी और अक्षु बैठे हैं गाड़ी में ही, मामा दे रहे हैं ऑर्डर देख सकते हो आप बढ़िया से। चटोरा विंग्स, नाम भी क्या रखा है, चटोरा विंग्स। वो भाई साहब कितनी मस्त तरीके से कुक कर रहे हैं। ओ भाई, ओ वो डाल दी भाई, इतनी सारी डाल दी, सारी कुक करेंगे अब इसको। माँ कसम इतना टेस्टी होता ना बर्गर, एक बार भाई किसी ने खिलाया था मेरे को, मज़ा आ गया भाई। तब से मैं जब भी रोहतक आती हूँ ना इसी का ही बर्गर खाती हूँ, चटोरा विंग्स का ही हमेशा से। वाओ, इतनी ज़्यादा फ्लेम इंक्रीज हो रही है यहाँ से। ऑर्डर ले लिया है, देख लो भाई बर्गर बन के रेडी हो चुके हैं, और मामा तीन बर्गर ले हुए हैं एक हाथ में, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मामा कह रहे हैं किसी को नहीं मिलेंगे, मैं खा जाऊंगा सारे, इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए मामा फास्ट फूड। वैसे इन बुद्धुओं को बर्गर दे देते, ये तो मेरा है उधर से आएगा तेरा। खा रहे हैं बर्गर, देखो सूड सूड के, मामा वाली बात है सूड सूड के। आप भी खा लो गाइस, हंगरी हो गए थे हम, ऐसा मन कर रहा था। हमने बर्गर फिनिश कर लिया है और मामा को बर्गर खाती पता नहीं क्या हो गया, बंदरों वाली हरकतें कर रहे हैं।
देख सकते हो ये बच्चा कैसे क्या खा रहा है, स्कूल की जो बैग की वादी होती है ना वो चबाने लग रहा है। देखो गाइज हैंडीकैप बच्चे हैं ये सारे, देख सको तुम। बाय बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं मामा को। गाइज मैं और मामा चल रहे हैं अभी घेवर लेने, क्योंकि गाइज हमारे घर में सभी को घेवर ही पसंद है। तो फाइनली गाइज अभी हमने सामान ले लिया है, देख सकते हो इतना सारा सामान हो गया है। और क्या, अब चलेंगे भाई सीधा घर पे, मिलते हैं गाइज आपको घर। फाइनली गाइज अभी हम जलेबी चौक पहुंच चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर गाइज। और क्या गाइज, हमसे रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी गाइज, पता नहीं कब पहुंचेंगे मोखरा। देख लो भाई जलेबी चौक से 10 मिनट की दूरी पर है मोखरा और हमारा घर। मैं ना मामा को ऐसे कह रही हूँ कि पूरी फुल आवाज कर दो गाड़ी की, मजा आ जाएगा। सभी को सुनना चाहिए कि हम आए हुए हैं। जब गांव में पहुंचना बिल्कुल फुल आवाज कर देना, ठीक है। फैक्ट्री है मोखरा के अंदर, इतनी बड़ी फैक्ट्री है गाइज, ये पता नहीं किसकी है, दवाइयों की फैक्ट्री है गाइज। जैसा कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक नया रेलवे ट्रैक बना था जब हम छोटे छोटे थे, और आज इस रेलवे ट्रैक की टेस्टिंग हो रही है गाइज, ट्रेन को चला के इस पर। तो कितनी बड़ी ट्रेन, मतलब छोटी सी ट्रेन भी तो ले सकते थे ये टेस्टिंग के लिए, इतनी बड़ी लेनी जरूरी थी। अभी हम मोखरा में पहुंच चुके हैं, देख सकते हो एंट्री होने ही वाली है बस। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मोखरा में, तो अभी ले ली हमने एंट्री। मैं ना स्कूल में पढ़ा करती जब छोटी सी थी, अरे हम लिखना भाई सनरूफ से बाहर, हम सनरूफ से बाहर आ चुके हैं। मामा फुल आवाज कर दो, बोल दे ना और फुल कर दो, बार भी ना सुन दी और फुल कर दो। अभी मामा ना गाड़ी को यहाँ पे डालेंगे इस गेट के अंदर, तो एक बार मैं एक गेट वगैरह खोल देती हूँ ताकि अंदर घुस सके अपनी गाड़ी। सारे काम मेरे को ही करने पड़ते हैं, देख लो गाइस, सकते हो गाइस बाड़ दिए मामा ने। मैं तो चल रही भाई। फाइनली गाइस अभी हम घर पे पहुँच चुके हैं, देख सकते हो आप। नमस्ते नाना जी। नमस्ते नानी जी। नमस्ते मामी। धन्यवाद। अरे मुकुल। सो मिलते हैं गाइस जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।